देवघर में झुंड से बिछड़े हाथी ने मंगलवार की सुबह पत्रौल के डहुआ स्थित जंगल में एक महिला और उसकी भतीजे को कुचलकर मार डाला। वहीं शाम में एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। भूदेव राय के मुताबिक महिला और भतीजी वंदना कुमारी सुबह नहाने गई थी, वहां से घर लौट रही थी। रास्ते में जंगल पड़ता है, वहां पहले से ही हाथी मौजूद था। पत्नी को देखते ही उस पर हमला कर दिया, उसे सुन से उठाकर पटक दिया। बचाव के लिए पहुंची भतीजी को कुचल दिया, मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसकी सूचना मिली तो स्वजन और अन्य ग्रामीण पहुंचे। सरकारी प्रावधान के तहत सैरठ विधायक रणधीर सिंह ने स्वजनों को 1,00,000 रुपए दिए। उधर पत्रौल थाना क्षेत्र के तारा डंगाल में एक बुजुर्ग महिला को मंगलवार देर शाम हाथी ने कुचल कर मार डाला। 60 वर्षीय दुखनी देवी घर में अकेली थी, स्वजन एक शादी समारोह में गए थे। हाथी अचानक दरवाजा तोड़ते हुए घर में घुस गया और उनको पटक कर कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस दौरान हाथी ने घर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी हो कि हाथी इस इलाके में लगातार तांडव कर रहा है। शाम में जिस गांव में हाथी घुसा वह दहुआ जंगल से करीब 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हैरानी की बात है कि सुबह की घटना के बाद भी हाथी की गतिविधि पर वन विभाग या प्रशासन द्वारा नजर नहीं रखी गई। वन विभाग दुमका के मसलिया से हाथी भगाने वाली टीम के पहुंचने का इंतजार कर रहा है। बता दें कि गत रविवार को जामताड़ा के फतेहपुर में एक हाथी ने दंपति को मार डाला था।